नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के कुल 80 लोकसभा सीटों में से ऐसी कौन सी लोकसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक बार विजयी हो चुकी है। यहां पर हम उन सीटों के बारे में बात करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी कम से कम 6 बार विजयी हो चुकी है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलेंगे कि कहीं पर 6 बार विजयी हुई है, कहीं पर 7 बार विजयी हुई है, कहीं पर 8 बार विजयी हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की वीडियो के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को, और उन्होंने चुनाव जो लड़ना शुरू किया वो 1984 से चुनाव लड़ना शुरू किया। आइए हम लोग चलते हैं आगे वीडियो की ओर। तो उत्तर प्रदेश की वह लोकसभा सीटें जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुल 8 बार विजयी हुई है, जो कि अभी तक जो आंकड़े आए हैं 2019 के लोकसभा चुनाव तक के हैं, तो वो कौन कौन सी सीटें हैं हम उनके बारे में बताते हैं। तो आपको बताते चले, वो लोकसभा सीटें हैं लखनऊ, गोरखपुर और बरेली। अब हम बात करते हैं लखनऊ लोकसभा सीट की। तो लखनऊ लोकसभा सीट से अटल जी 5 बार लगातार विजयी हो चुके हैं। लखनऊ लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। लखनऊ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी 1991 के लोकसभा चुनाव से लगातार आज तक जीत का सिलसिला जारी रखी है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी दूसरी लोकसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 8 बार विजयी हो चुकी। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर लोकसभा सीट की। तो गोरखपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 8 बार विजयी हो चुकी है, जिसमें से 7 बार लगातार जीत चुकी है। और जो अन्य आंकड़ा है उसके अनुसार कि इसमें 5 बार लगातार योगी आदित्यनाथ इस सीट से विजयी होते हुए संसद पहुंचे हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तीसरी लोकसभा सीट जहां पर बीजेपी 8 बार विजयी हो चुकी। जी हां, वह लोकसभा सीट है बरेली लोकसभा सीट। बरेली लोकसभा सीट से संतोष गंगवार कुल 8 बार विजयी हो चुके हैं, जिसमें से जो है 6 बार वो लगातार विजयी हुए हैं। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की उन लोकसभा सीटों के बारे में जहां पर भारतीय जनता पार्टी 7 बार विजयी हो चुकी है। ये सभी आंकड़े 2019 के लोकसभा चुनाव तक के हैं। जी हां, हम बात करते हैं ऐसी 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी 7 बार विजयी हो चुकी है। पहली है वाराणसी, दूसरी है हाथरस, तीसरी है बुलंदशहर। जी हाँ, अब आपको हम बताते चले कि जो वाराणसी लोकसभा सीट है जिसमें 2014 व 2019 से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यहाँ से विजयी होते हुए संसद पहुंचे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी लोकसभा सीट जो कि है हाथरस लोकसभा सीट। हाथरस लोकसभा सीट से जो है किशन लाल दलेर लगातार 4 बार विजयी हो चुके हैं। और जो तीसरी लोकसभा सीट है वो बुलंदशहर लोकसभा सीट है। जो बुलंदशहर लोकसभा सीट है यहाँ से छत्रपाल सिंह 4 बार लगातार विजयी हो चुके हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि 3 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जहाँ पर 8-8 बार बीजेपी विजयी हुई है। 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो है 7-7 बार विजयी हो चुकी हैं। तो आपको ये जानकारी काफी रोचक लगी होगी। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की वह कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 6-6 बार विजयी हुई है। तो आपको बताते चलें कि जो 6-6 बार विजयी हुई है उनमें से है मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, आगरा, अलीगढ़, मेरठ तथा उसके बाद जो 6वीं लोकसभा सीट है वो है मथुरा। फिर उसके बाद 7वीं है आंवला, 8वीं है बस्ती, 9वीं जालौन, 10वीं जो है बांसगांव और 11वीं झांसी और जो है 12वीं जो है एटा है। तो यह स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश जो बीजेपी की जो 34 सीटें हैं ये हैं, जिनमें से 8-8 बार जीतने वाली जो सीटें हैं वो आप देख चुके हैं 3 सीटें हैं, 7-7 बार जो हो चुके हैं विजयी वो जो है 3 सीटें हैं, और 6-6 बार जिन सीटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो चुकी है वो कुल मिलाकर जो है हमारे 12 सीटें हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकन दबाएं जिससे इस तरह की जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें, और वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें। आपको इस तरह की और भी जानकारियाँ इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।